अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है एक तरह से हमें उसे डिफाइन या ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी जो है उसके customer. Customer की कीकटरिस्टिक्स में नंबर वन इज़ द एबिलिटी टू एड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कस्टमर कस्टमर या बेनिफिशरी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना उसे बेहतर बनाना दूसरा की करेक्टरिस्टिक जो अपॉर्चुनिटी का है वो है कि ये जो वैल्यू एडिशन है वो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि बेनिफिशरी की या कस्टमर की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जिसको हल किया जाए या उसकी कोई ज़रूरत हो जिसको उस आइडिया के ज़रिए से अगर पूरा किया जा सके तो हम उसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे तीसरे वो आइडिया अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट को कैप्चर कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके और चौथे वो आइडिया अपॉर्चुनिटी बनता है जिसके लिए स्किल सेट जो है वो एंटरप्रेन्योर का मैच करता हो ये नहीं हो सकता कि आपके पास कोई बहुत इनोवेटिव आइडिया हो लेकिन आप में वो स्किल्स ही ना हो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें फॉर एग्जांपल आपने कभी हेल्थ की फील्ड में काम नहीं किया आपको उसके जो निटीग्रिटी है उसका नहीं पता तो आप कोई आइडिया जो हेल्थ की फ़ील्ड से रिलेटेड है वो खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो ये चार चीज़ें जो हैं वो अपॉर्चुनिटी होने के लिए ज़रूरी हैं हमने पहले बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बाजुकात इनफॉर्मली अपने आइडियाज़ को थिंक थ्रू करते और देखते हैं कि किस तरह उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन इस मॉड्यूल में हम बाकायदा उन टूल्स पर बात करेंगे जिन ज़रिए से किसी आइडिया को उसके पोटेंशल अपॉर्चुनिटी होने के लिए असेस किया जा सकता है उसमें सबसे पहला टूल जो सबसे पॉपुलर है आप उसको एनवायरमेंटल स्कैन या स्वॉट एनालिसिस के नाम से जानते हैं स्वॉट एनालिसिस से मुराद है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं उनका एनालिसिस करना कि जो आइडिया है उसके हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं अगर स्ट्रेंथ्स जो हैं वो सरपास करती हैं वीकनेसेस को तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक वाइबल आइडिया है ये जो अमूमन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं वो इंटरनल टू ऑपरेशंस होती हैं कि जो काम जो सोशल एंटरप्रेन्योर जो चीज़ कर रहा है जो इनिशिएटिव ले रहा है उसके हवाले से क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं फॉर तो एग्जांपल वो रिसोर्सेज हो सकते हैं वो स्किल सेट हो सकता है वो रिसेप्शन ऑफ कम्युनिटी हो सकती है ये चीज़ें स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं अगर मौजूद हों और ये वीकनेस भी हो सकती हैं अगर इनमें किसी में कमी हो या कोई मौजूद ना हो इसी तरह जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनकी अससमेंट्स वॉड के जरिए से की जाती है उसमें आ, सेम चीज़ सेम सिचुएशन थ्रेट भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है फॉर एग्जांपल आप सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक बड़ी मार्केट में एंटर हो रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकती है कि आप उसका एक बड़ा शेयर कैप्चर कर सकें और ये एक थ्रेट भी हो सकती है कि उसमें पहले से बहुत सारे कंपटीटर मौजूद हों उनके कदम जमे हुए हों उनका ब्रांड जो है वो पहले से इस्टबलिश हो लोगों की लॉयल्टीज़ हों उनके लिए मुश्किल है लोगों के लिए फिर स्विच करना उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ जो आप ऑफ़र कर रहे हैं आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी उसको इंट्रोड्यूस और इस्टेब्लिश कराने के लिए सो स्वाट एनालिसिस के ज़रिए से एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया की वायबिलिटी चेक करते हैं अगर स्ट्रेंथ्स ज़्यादा हैं वीकनेसेस कम हैं तो वो आइडिया जो है उसको बतौर अपॉर्चुनिटी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसी तरह एक दूसरा टूल है जिसे आउटसाइड इन इनसाइड आउट एनालिसिस कहा जाता है जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो सोशल एंटरप्रेन्योर के आइडिया से बाहर की दुनिया है जिसमें उसको अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करना है उस एनवायरनमेंट का उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन पर क्या असर होगा सादा लफ्जों में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है अगर आप लो कॉस्ट या अफोर्डेबल हाउसिंग की मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे इसके अपने तरीके होंगे इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर तो आपका आइडिया जो है वो इस इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट में फ़िट होता है कुछ इनोवेट करता है कुछ उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है तो आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी के तौर पर रिकगनाइज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं अदरवाइज़ नहीं इसी तरह इनसाइड आउट एनालिसिस होता है कि आपके एंटरप्रेन्योरियल जो आपका इनिशिएटिव है जो एंटरप्राइज है उसके अंदर और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे आपके आइडिया की फेवर में या उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल आप सोशल एंटरप्रेन्योर का जो स्किल सेट है जो उसके अंदर सलाहियतें हैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वो उसके एक्सटर्नल इन्वामेंट को ज़ाहिर इन्फ्लुंस करती हैं कितनी भी बड़ी मार्केट हो अगर कोई सोशल एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव आइडिया जो कि सपोर्टेड बाय हिज और हर स्किल्स है उसके पास वो ऐसी सलाहियतें ऐसा फ़न ऐसी महारत मौजूद है वो उसको डिफरेंटली इम्प्लीमेंट कर सकता है तो वो एक्सटर्नल इन्वामेंट को उसके लिए फेवरेबली मैनुपलेट करता है इस एनालिसिस को हम आउटसाइड इन इनसाइड आउट एनालिसिस कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को असेस करते हैं उनकी आउटसाइड इन इन्फ्लुएंस के लिए और इनसाइड आउट इन्फ्लुएंस के लिए अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है स्पॉट एनालिसिस की तरह तो वो अपॉर्चुनिटी है अगर नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं लेते एक नोवेल आइडिया हो सकता है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस जो हैं और उसको लोगों की ज़िंदियों में वैल्यू ऐड करने के चांसेस जो हैं वो कम है इसलिए उसको प्रोबेबली या तो मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है या सोशल एंटरप्रेन्योर को किसी और आइडिया को देखने की ज़रूरत है एक तीसरा टूल जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ की वायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दे असेस करने के लिए यूज करते हैं उसे क्विक स्क्रीन का नाम दिया जाता है यह बेसिकली स्ट्रीम स्क्रीनिंग है इसमें स्वॉट एनालिसिस की तरह या आउटसाइड इन इनसाइड आउट की तरह छोटे छोटे फैक्टर्स, फैक्टर्सिग्रिटी सारा जो एनालिसिस नहीं किया जाता कि ये ज़्यादा है ये कम है पॉजिटिव ज़्यादा हैं स्ट्रेंथ ज़्यादा हैं वीकनेसेस कम हैं या क्या किस तरह से कंपैरिजन है इसमें बेसिकली तीन चीज़ें जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है सबसे पहले तो मार्केट की स्क्रीनिंग इस डेरा मार्केट आपका जो आइडिया है उसको लॉन्च करने के लिए कोई मार्केट है और मार्केट से मुराद ज़रूरी नहीं है कोई मार्केट प्लेस हो उससे मुराद लोगों की ज़रूरत लोगों की ख्वाहिश हो सकती है लोगों का मसला हो सकता है अगर लोग किसी ऐसे मसले का शिकार हैं तो उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो आपके आइडिया के ज़रिए से पूरी हो सकती है तो हम कहते हैं उस आइडिया के लिए मार्केट मौजूद है यानी वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो नंबर वन वाज़ द मार्केट नंबर टू जो कंपेटिटर्स uh, हैं उनका एक एनालिसिस किया जाता है कि ऑलरेडी इस फील्ड में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस मार्केट के अंदर कोई कंपेटिटर्स हैं अगर हैं तो वो किस तरह के हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं मार्केट का कितना शेयर उनके पास है किस तरह का कंपटीशन वो आपको देंगे एज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर आपके आइडिया की विज़ावी उनके आइडियाज़ और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जो सर्विसेज वो दे रहे हैं क्या एडवांटेज है क्या ख़ूबी है ऐसा क्या डिफरेंट है कि लोग आपके आइडिया को जो है वो परचेज़ करें उसको रिसीव करें उसके ज़रिए से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो तीसरी चीज़ जो है वो वैल्यू क्रिएशन और रियलाइजेशन है क्या आप जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उसका आइडिया जो है क्विक स्क्रीनिंग की जाती है कि इससे वैल्यू एडिशन और रियलाइजेशन ऑफ द सोशल गुड होती है या नहीं होती है अगर तो कोई आइडिया जो है उसके ज़रिए से वैल्यू एडिशन हो रही हो सोशल गुड बढ़ रही हो सोशल इम्पेक्ट क्रिएट हो रहा हो तो हम कहते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वरना नहीं ये चीज़ें करने के लिए जैसे स्पॉट एनालिसिस है या इनसाइड आउट आउटसाइड इन जो एनालिसिस हैं उनके लिए कोई आपको ख़ास किस्म के टूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती कोई ख़ास महारतों की ज़रूरत नहीं होती जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लिटरेचर या प्रैक्टिस आप उनको देखते हुए जो है वो कर सकते हैं एनालिसिस uh, अपना जो है वो अपने आइडिया का कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकिन जो क्विक स्क्रीनिंग है बेसिकली इट्स स्ट्रीम तो उसके लिए जो बेसिक बिजनेस स्किल्स हैं जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनका सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए जानना या उन तक एक्सेस होना जो है सोशल एंटरप्रेन्योर की वो ज़रूरी है ये तीन मेन टूल्स हैं जो किसी आइडिया को अपॉर्चुनिटी के तौर पे असेस करने के लिए आम इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनकी कई अडेप्टेशन मौजूद हैं इनको मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है कल्चरल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मार्केट के मुताबिक लोगों की नीड के मुताबिक माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ वर्जनस इनके जो हैं वो आपको लिटरेचर में मिलते हैं थैंक यू